छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए युवा वर्ग में भरपूर जुनून दिखता है। ये जुनून और प्यार उस वक्त भी था जब महाराज सशीर आबाद थे। ढेर सारे मराठों ने अपना खून बहाया, तब जाके दक्कन में मराठा साम्राज्य का झंडा लहराने लगा। उनमें से एक मर्द मराठा की अमर गाथा आज आप लोग सुनने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। आज हम शौर्य गाथा सुनाएंगे उस इंसान की, जिसके लिए पोवाड़ा इस लोकगीत में गाया जाता है कि जिसका सर धड़ से अलग हुआ, फिर भी वो यमराज बनकर दुश्मन के सामने खड़ा रहा। वो है मराठा साम्राज्य का महापराक्रमी योद्धा मुरार बाजी देशपांडे। हजारों साल पहले सीकेपी इस उपनाम से प्रसिद्ध रहा ब्राह्मण समाज की एक टोली उत्तर से होते हुए दक्कन में आकर बस गई। हजारों साल की परंपरा का धागा पूर्वजों से होते हुए वंशजों तक जुड़ता चला गया। इनकी बुद्धिमता देखकर समाज के अन्य वर्ग उन्हें विद्वान समझने लगे। ऐसे में जिन लोगों के पास पाटिल का पद होता था, उन लोगों के बीच इस समाज के लोग बड़े पद पर विराजमान होने लगे और यहाँ से शुरू हुआ कुलकर्णी, देशपांडे, देशमुख जैसे उपनाम का जमाना। अलाउद्दीन खिलजी के जन्म तक इस समाज के लोगों के हाथ सिर्फ कलम होती थी, पर जब दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगी तो इन्होंने कलम के साथ तलवार पकड़ना भी सीख लिया। मराठा साम्राज्य में ढेर सारे सीकेपी समाज के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में अपनी सेवा बहाल की। इनमें से बाजी प्रभु देशपांडे के अलावा खुद मुरार बाजी देशपांडे भी बेहद प्रसिद्ध हैं। मुरार बाजी देशपांडे के पिताजी का नाम बाजी मुरार तो दादाजी का नाम मुरार प्रभु था। 1616 के साल में जब मुरार बाजी ने जन्म लिया, तब उनके पूर्वजों के 3 से 4 पीढ़ी ने दक्कन प्रांत में बड़ा शौर्य दिखाया था। आज के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में किंजलोली गांव आता है, वहीं मुरार प्रभु अपने बेटे परिवार के साथ रहते थे। बाजी मुरार नहीं चाहते थे कि उनका पराक्रम उनके गांव तक सीमित रहे। इस वजह से साल 1637 में वे अपने बेटे मुरार बाजी को लेकर चंद्रराव मोरे के कस्बे में शामिल हो गए। चंद्रराव मोरे पीढ़ी जात राजे थे। पुणे, सातारा, रत्नागिरी, फल्टन के बीचों बीच बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। आज के हिल स्टेशन के लिए मशहूर महाबलेश्वर भी उसी जंगल में आता है। इन जंगलों में छोटे बड़े नगर भी हुआ करते थे। इसी बड़े इलाके को चंद्रराव की जावली कहा जाता था। इस जावली पर मोरे खानदान से आए लोग राज करते थे। चंद्रराव मोरे के साथ मिलकर बाजी मुरार ने बड़े कारनामे करके दिखाए। जब वे चंद्रराव मोरे की सेना में शामिल हुए, तब उनके बेटे मुरार बाजी की आयु 21 साल की थी। एक दिन चंद्रराव मोरे अदिलशाही हुकूमत के लिए मुगलों से लड़ रहे थे। उस युद्ध में बाजी मुरार ने बड़ा शौर्य दिखाया। इस पर खुश होकर मोहम्मद अदिल शाह ने बाजी मुरार को उमराव इस खिताब के साथ नवाजा। अदिल शाह ने बाजी मुरार को अदिलशाही हुकूमत में शामिल होने का न्योता दिया। तो इस तरह बाजी मुरार चंद्रराव मोरे की सेना से निकलकर अदिल शाह से जुड़ गए। जावली में बाजी मुरार का पद खाली होते ही उन्होंने अपने बेटे मुरार बाजी को अपने पद पर बिठा दिया। कुछ लोग मानते हैं कि चंद्रराव मोरे ने मुरार बाजी को अपना अंग रक्षक भी बनाया था। अब 1656 का साल आया, तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज ने आधा कोंकण और पूर्व दिशा के कुछ प्रांत पर अपना दबदबा बना लिया था। वे पहले अपनी महत्वाकांक्षा की बात अन्य राजाओं तक पहुंचाते थे, उनको सरसेना स्वराज में शामिल होने का निमंत्रण भेजते थे। अगर कोई राजा स्वराज्य के बीच आता था तो युद्ध की भाषा का भी इस्तेमाल होता था। लगभग सभी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के कल्याणकारी योजना का हिस्सा बन गए थे। यहाँ तक कि सावंतवाड़ी के शूरवीर भी महाराज के चाहने वाले बन चुके थे।
गोवा तथा आदिलशाही का सबसे बड़े प्रांत के बीच सिर्फ एक राज्य बचा था जिसने स्वराज्य का हिस्सा होने से इनकार कर दिया था। वे थे चंद्रराव मोरे। वे किसी भी हालत में आदिलशाही को छोड़ना नहीं चाहते थे। इसके पीछे ये वजह थी कि अगर उन्होंने आदिलशाही का छत्र निकाल दिया तो मुगल सेना जावली में घुस जाएगी। इस वजह से उन्होंने रुद्र रूप लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ युद्ध करने का फैसला किया। ये युद्ध काफी समय तक चलता रहा। महाराज ने देखा कि जब तक चंद्रराव मोरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुरार बाजी देशपांडे के हाथ है तब तक वे जावली जीत नहीं सकते थे। इस वजह से उन्होंने मुरार बाजी को समझा कर अपने पक्ष में कर लिया। इस बीच चंद्रराव मोरे की सेना कमजोर हो गई और खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने चंद्रराव मोरे को युद्ध में मार गिराया। इस घटना को लेकर दूसरी कहानी भी प्रसिद्ध है। कुछ लोग मानते हैं कि चंद्रराव मोरे को जिंदा छोड़ दिया गया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जीत के करीब पहुंचे तब उन्होंने चंद्रराव मोरे से मुरारबाजी की मांग की। मृत्यु को सामने देख उन्होंने मुरारबाजी को महाराज के अधीन कर दिया। मुरारबाजी देशपांडे की ताकत का अंदाजा महाराज को था। इस वजह से इतने बड़े शूरवीर को छोटे पद पर रखना गलत था। इस बात को देखते हुए महाराज ने उन्हें 5000 फौज की सरदारी बहार करते हुए पुरंदर इस किले का किलेदार भी बनाया। जब मुरारबाजी स्वराज्य का हिस्सा हुए तब उन्होंने अपने सभी भाइयों को भी अपने साथ ले लिया। अब मुरारबाजी सामान्य इंसान नहीं थे, वे अब सरदार और किलेदार बन चुके थे। इस वजह से उनके कंधों पर ईमानदारी की जिम्मेदारी भी थी जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक निभा कर रखा। मुरारबाजी देशपांडे महाराज से उम्र के लिहाजा बड़े भी थे। स्वराज्य का शिलेदार बनकर उन्होंने उन परिस्थितियों में भी महाराज का साथ दिया जब जयसिंह के रूप में बड़े शत्रु की परछाई स्वराज्य पर पड़ी। आम शब्दों में कहूँ तो वे स्वराज्य के पहरेदार थे। इस पहरेदार को हराना भी दुश्मन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। ऐसे महाबली को हराना जब मुश्किल हो जाता है तो उनके सामने दोस्ती का हाथ आगे करना पड़ता है। पुरंदर युद्ध में दिलेर खान 4 महीनों तक मुरारबाजी देशपांडे से लड़ता रहा। जब तक मुरारबाजी पुरंदर की रखवाली में है तब तक स्वराज्य का खात्मा नहीं हो सकता है। ये बात दिलेर खान को समझ गई। इस वजह से उसने मुरारबाजी को मुगलों में शामिल होने का न्योता भी भेजा।